व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं नोकिया 10 के बारे में। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का मोस्ट अवेटेड डिवाइस भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से इस फोन के बारे में बात चल रही है, नई से नई लीक्स आती रहती है इस फोन के बारे में। वैसे कि नोकिया के बारे में आप और मैं हम सब जानते हैं कि एक टाइम पे जो है ना वो राज करता था नोकिया मार्केट पे, और वो टाइम पे जो उसके सिम्बियन फोन्स थे, बाप रे बाप, मतलब 6600, 6610i, ये सारी फोन जो है ना दोस्तों बहुत अच्छा काम करते थे एक टाइम पे। और उसके बाद में गाइस नोकिया का फिर कुछ अता पता ठिकाना नहीं रहा, कहाँ गया कुछ पता नहीं। उसके बाद में नोकिया ने कमबैक किया, लेकिन फिर भी वो वैसा वाला नहीं बन पाया जो पहले था, क्योंकि कॉम्पिटिशन ऑलरेडी मार्केट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब यहाँ पर गाइस देखिए, नोकिया ने फ्लैगशिप डिवाइसेज जो है ना वो लॉन्च करना शुरू किया है। अब उसमें से एक फ्लैगशिप डिवाइस है नोकिया 10। नोकिया 10 के बारे में दोस्तों कुछ लीक्स निकल के आई है। वैसे इस वीडियो में दोस्तों जो जो लीक्स इस वक्त पता लगे हैं फोन के बारे में, जो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अब यहाँ पर गाइस जो सबसे पहली चीज है वो है इसके नाम को लेके। देखिए गाइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो इसलिए क्योंकि जब नोकिया 9 लॉन्च हुआ था तो उसके बाद में रिपोर्ट्स ऐसा बोलने लगे थे कि अब नोकिया 9.2 लॉन्च होगा, 9.3 लॉन्च होगा। और अब गाइस कुछ लीक्स और रिपोर्ट्स ऐसे पता लगा है कि इस फोन का नाम जो है ना वो नोकिया 10 होगा। लेकिन यहाँ पर गाइस फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी बोलती है कि जो नोकिया 9.2 या तो फिर नोकिया 9.3 जो डिवाइस है ये अलग से लॉन्च होंगे। मतलब 9.2 होगा या तो फिर 9.3 होगा, और नोकिया 10 जो है ना ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है जो कि अलग से लॉन्च होगा। यहां पर गाइस बात करता हूं कनेक्टिविटी के बारे में। तो गाइस यहां पर देखिए लीक्स ऐसा बोल रही है कि इस फोन में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने की मिलेगी। वैसे गाइस अगर 5G के बारे में बताऊं तो नोकिया ने अपने 8.3 वाले मॉडल में ही 5G कनेक्टिविटी दे दी थी, क्योंकि उस मॉडल में नोकिया ने 765G का प्रोसेसर लॉन्च किया था। तो ये ऑब्वियसली एक खुद में सबूत है कि भाई वो एक 5G फोन था। यहाँ पर गाइस नोकिया 10 के बारे में भी ये लीक्स आ रही है कि ये भी जो है ना एक 5G सपोर्टेड फोन रहेगा। अब गाइस बात करूंगा इसके कुछ हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये फोन एक 5G सपोर्टेड फोन रहेगा और ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, तो इस पे दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 875 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिले, जो कि अभी ऑफिशियली क्वालकॉम की तरफ से लॉन्च नहीं हुआ है, जिसके बारे में ये न्यूज़ है कि दिसंबर के मंथ में इसका लॉन्च हमें ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जनवरी से गाइस जो फ्लैगशिप डिवाइसेज लॉन्च होंगे उसमें दोस्तों ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ये है कि उसमें आपको 875 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस जो नोकिया 10 है ये भी नोकिया की तरफ से एक फ्लैगशिप डिवाइस है, और ये अभी इस ईयर में लॉन्च नहीं हो रहा, ये होगा नेक्स्ट ईयर की हाफ में लॉन्च होगा। तो वहां पर देखिए गाइस इसके बारे में भी ये एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आपको 875 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। अब गाइस कुछ लीक्स ऐसी भी बोलती है कि जो इसका लॉन्च डिले हुआ है, क्योंकि ये 2020 की एंड में लॉन्च होने वाला था, लेकिन इस बार भी जो ना दोस्तों इसका डिले होकर 2021 में चला गया है, वो इसलिए भी हो सकता है कि इसमें 875 प्रोसेसर होगा या कंपनी इसमें 875 प्रोसेसर देगी, इसलिए शायद कंपनी ने इसको नेक्स्ट ईयर में डिले कर दिया है लॉन्च को। वैसे गाइस डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहां पर निकल के आ रही है डिस्प्ले को लेके, और वो ये है कि इसमें आपको इन स्क्रीन कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चाइनीज़ कंपनीज़ के पास में भी है, Xiaomi और Poco के पास में भी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक गाइस इस टेक्नोलॉजी को कोई भी फ़ोन में कंपनी ने यूज़ नहीं किया है। कि मे बी कंपनीज़ जो है ना दोस्तों वो इसकी टेस्टिंग देख रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि इसका फीडबैक कैसा मिलता है यूज़र से, फिर उसके बाद में जो है ना दोस्तों कंपनी इस टेक्नोलॉजी में हाथ डालेगी। तो नोकिया के हिसाब से भी नोकिया 10 में मे बी हो सकता है कि कंपनी जो है ना वो रिएक्शन देख रही हो, या कंपनी जो है ना वो यूज़र्स का जो फीडबैक देख रही हो कि भाई जब एक नई टेक्नोलॉजी आएगी फ़ोन में तो उसके बाद में जब यूज़र्स उसको यूज़ करेंगे तो किस तरीके का फीडबैक वहाँ से निकलता है, फिर उसके हिसाब से कंपनी जो है ना इस चीज़ को लेकर डिसाइड करेगी। वैसे गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नई टेक्नोलॉजी के लेके, और इसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया था कि एक्चुअली में ये इन स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है क्या, जहाँ पर कैमरा जो है वो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल अंदर होगा, तो इससे क्या होगा कि आप पूरा डिस्प्ले जो है ना वो इजीली यूज़ कर पाओगे, और उसमें जो है ना वो कोई भी छोटा सा कट जो होता है या वाटर ड्रॉप नॉच होता है तो वो सब चीज़ें जो है ना नहीं होगी, तो आप पूरा डिस्प्ले जो है ना वो ऑल इन ऑल डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। फाइनली गाइस बात करूंगा फ़ोन के कैमरा के बारे में। अब नोकिया की जब बात हो रही है गाइस तो कैमरा के बारे में बात होना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि नोकिया जब से जो है ना दोस्तों वो लूमिया सीरीज़ निकाली थी नोकिया ने, तो उसमें जो है ना वो कैमरा बहुत ज़बरदस्त देता था नोकिया, कार्ल ज़ीस लेंसेज जो है ना उस फ़ोन में आते थे कैमरा में। अब यहाँ पर गाइस देखिए एक यूज़र है नोकिया पावर यूज़र, उसके हिसाब से नोकिया 10 में जो है ना वो एक अलग तरीके का कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। अब इसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपको कौन कौन से लेंसेज मिलेंगे,
आपको किस टाइप के लेंसेज मिलेंगे, कितने कैमराज आपको मिलेंगे, ये सब तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस बात का उसने हिंट दिया है कि नोकिया 9 में जो आपको कैमरा मॉडल देखने मिला था उससे एकदम हटके जो है ना आपको नोकिया 10 में मिल सकता है कैमरा देखने के लिए। अब नोकिया 9 में दोस्तों आपको पेंटा कैमराज मिला था, मतलब अपने टाइम का जो है ना बहुत ही यूनिक कैमरा सिस्टम था नोकिया ने जो नोकिया 9 डिवाइस में दिया था। यहाँ पर देख सकते गाइस अब उससे भी हटके क्या यूनिकनेस जो है ना वो कंपनी दिखाएगी अपने आने वाले फ्लैगशिप डिवाइस में। फाइनली गाइस बात करूंगा लॉन्च के बारे में। तो काफी टाइम से दोस्तों इस फोन के लॉन्च के बारे में न्यूज निकल के आ रही है। सेम यूजर जो नोकिया पावर हाउस यूजर है, सेम यूजर की तरफ से ये लीक निकल के आई है कि अब ये फोन जो है ना वो 2021 की मिड में लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब काफी आगे चला गया, क्योंकि पहले तो ये सारी बात निकल के आ रही थी कि ये इस ईयर की एंड तक आपको लॉन्च देखने के लिए मिल सकता है, मतलब नवंबर दिसंबर तक इसका लॉन्च आपको मिल सकता है। लेकिन अब डायरेक्टली ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई इसका जो लॉन्च है वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। अब लेकिन गाइज अगर नेक्स्ट ईयर में इसका लॉन्च जा भी रहा है तो वहाँ पर जो है ना आपको स्पेसिफिकेशंस भी अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो ना दोस्तों वो नेक्स्ट मंथ में लॉन्च, मतलब नेक्स्ट ईयर में जो ना वो लॉन्च हो सकती है। यहाँ पर गाइज आपको 875 का स्नैपड्रैगन देखने के लिए मिल सकता है, आपको 750 का भी स्नैपड्रैगन नेक्स्ट ईयर में देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूँगा तो आपको इन स्क्रीन कैमरा जो है ना वो नेक्स्ट ईयर में देखने के लिए मिल सकता है। और वहीं पर गाइज नोकिया की तरफ से ऐसी भी न्यूज़ निकल के आई है कि नोकिया एक फोल्डेबल डिवाइस पे काम कर रहा है। अब ये फोल्डेबल डिवाइस कौन सा होगा, ये नोकिया 10 होगा या कोई दूसरा डिवाइस होगा, इसके बारे में तब कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं और कुछ एकदम खुल के बता नहीं सकते इसके बारे में। तो यहाँ पर गाइज देखिए हो सकता है हम ये चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि शायद आपको नोकिया 10 फोल्डेबल डिज़ाइन में मिले और शायद आपको नहीं भी मिले, क्योंकि अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर क्या बोल सकते। तो यहाँ पर गाइज इतनी ही इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी फिलहाल नोकिया 10 डिवाइस को लेके। आपको कैसा लगा गाइज नोकिया 10 मुझे ज़रूर से बताना, और जो भी इन्फॉर्मेशन आगे निकल के आएंगी तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह पूरी वीडियो जो है ना हमारे चैनल के ऊपर पड़ जाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ डालने का। और साथ ही में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए मैं बीच में कहीं कहीं पर जो है वो देता रहता हूँ इंस्टाग्राम का अपना आईडी, वहाँ पर जाके डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि कुछ बिहाइंड द सीन्स जो रहते हैं ना, जो स्नीक पिक रहते हैं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।